दोस्तों, मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जिसमें लगातार कुछ नया सीखते रहने का गुण पाया जाता है, और ये नया सीखने की लगन और किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा के फलस्वरूप हमारी मनुष्य जाति विभिन्न प्रकार के प्रयोग करती आ रही है, जिनके सफल होने पर ये दुनिया के सामने आ जाते हैं और असफल होने पर इन्हें इतिहास बनाकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम 18वीं सदी, 19वीं सदी तथा 20वीं सदी में हुए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम और आप आज बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही किए गए थे, जिनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ या किन्हीं बड़ी कंपनी के परामर्शदाता शामिल होते हैं। उनके द्वारा करे गए इन एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य नई खोज करना या मानव जाति को किसी बड़ी परेशानी या तकलीफ से छुटकारा दिलाना होता था। आज की अपनी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे या फिर शोध के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ को मॉडिफाई करके आज बहुत ही सफलतापूर्वक मनुष्य जाति के हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपेरिमेंट जो हम इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते थे, उन्हें वहीं इतिहास में छोड़ दिया गया है। इन वैज्ञानिकों द्वारा जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, उनमें लोगों को महीनों तक भूखा रखकर उसके बाद मिलने वाले परिणाम, कई तरह की दवाइयों की टेस्टिंग, मृत शरीर को दोबारा जीवित करने के एक्सपेरिमेंट आदि अनोखे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साल 1944 में मार्शल स्टोन द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आवश्यक लोगों को जमा करने हेतु एक तरह का पैम्पलेट छपवाया गया और जिन्हें पूरे शहर में बंटवाया भी गया। इस पैम्पलेट में कुछ भूखे बच्चों की तस्वीरें थी, जो खाली प्लेट लेकर दर्शा रहे थे कि वो भूखे हैं। साथ में नीचे कोटेशन दिया गया था कि इनको भोजन मिल सके तो क्या इसके लिए आप भूखे रहेंगे। चलिए हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं कि उस समय जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये युद्ध पूरे 6 वर्षों तक चला था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उस समय युद्ध में लगे देशों में यूरोप और सोवियत संघ भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में डॉक्टर मार्शल स्टोन द्वारा एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने की सोचा गया। उनके द्वारा पर्चे छपवा कर बंटवाए गए पैम्पलेट के बाद इसमें इंटरेस्टेड 200 में से केवल 36 लोगों का चयन किया गया, जिनके ऊपर 3 महीने तक एक्सपेरिमेंट चला। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत इन लोगों को खाने में केवल गोभी, शलजम और आधा किलो दूध दिया जाता था। ये खाना इन्हें दिन में केवल 2 बार ही मिला करता था, जबकि अगले दिन ब्रेड या थोड़ा सा मीट दिया जाता था। मार्शल का कहना था कि भुखमरी के इस दौर में कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्हें मीट खाने को नहीं मिल रहा है। इस तरह उन लोगों की बॉडी में 1800 से भी कम कैलोरी पहुंचाई जाती थी और जिसे वर्कआउट के जरिए बर्न भी कराया जाता था। कैलोरी बर्न करने के लिए उन्हें हर हफ्ते 22 मील की दौड़ लगानी पड़ती थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई लोगों ने इसे बीच में ही छोड़ दिया था। इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट सामने आए थे, उनके अनुसार इन लोगों के वजन में लगभग 25% की कमी आई थी। इसके साथ ही इन्हें एनीमिया, सूखा जैसे रोग भी हो गए थे। इन लोगों के पैर कांटों की तरह सूख चुके थे। हालांकि इसी रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया कि इन लोगों को स्वस्थ होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा था। ये एक तरह का मेडिकल एक्सपेरिमेंट था। दोस्तों, मरे हुए लोगों को लेकर पहले के जमाने में भी कई एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जाहिर सी बात है, किसी भी जिंदा इंसान पर एक्सपेरिमेंट करके उसे मारने से बेहतर है कि हम किसी भी मरी हुई डेड बॉडी का इस्तेमाल अपने किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए कर लें। ऐसा ही उस समय के डॉक्टर और प्रयोगकर्ता अपने प्रयोगों के लिए किया करते थे। साल 1818 में सर एंड्रयू यूरी ने इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया था। अपने इस एक्सपेरिमेंट द्वारा मेडिकल क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण यूरी को आज भी याद किया जाता है। अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद 14 नवंबर 1818 को एंड्रयू यूरी द्वारा ये दावा किया गया कि वह करंट के द्वारा मृत शरीर को दोबारा से जीवित कर सकते हैं। असल में यूरी द्वारा बताया गया था कि यदि किसी मरे हुए मेंढक के शरीर में करंट डाला जाए तो उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होने लगती है, और ऐसा इंसानों के मृत शरीर में भी हो सकता है। उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। अपने इस एक्सपेरिमेंट में यूरी द्वारा डेड बॉडी की गर्दन में सबसे पहले एक कट लगाया गया और करंट के तारों को डेड बॉडी की रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उस बॉडी में थोड़ी हलचल होने लगी। ये नजारा देखने के बाद भीड़ में मौजूद कितने ही लोग बेहोश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी भी मृत शरीर को हरकत करते हुए देखा था। उसके बाद यूरी द्वारा उस मृत शरीर के लंग्स को भी करंट दिया गया।
जिसके फलस्वरूप लंग्स ने भी इनहेल और एक्सेस करना शुरू कर दिया था। हालांकि ब्लड की कमी होने की वजह से ये बॉडी पूरी तरह जिंदा नहीं हो पाई थी। यूरी द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट आज के डॉक्टर्स द्वारा हार्ट अटैक या दिल की धड़कन रुक जाने के दौरान मरीज को शॉक ट्रीटमेंट देने के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार 20वीं सदी में डॉक्टर दवाइयों को लेकर मौत की सजा पाने वालों पर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इनमें से एक व्यक्ति थे वैली, जो पेशे से डॉक्टर तो नहीं थे मगर उन्हें दवाइयों का अच्छा खासा ज्ञान था। इंसानों के शरीर से संबंधित छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं, दर्द निवारक दवाएं और सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली दवाइयां काफी कारगर सिद्ध हो रही थी। उनके द्वारा बनाई गई दवाइयों में रेडीथोर नामक दवाई काफी फेमस हो गई थी। इसमें रेडियम नामक तत्व मौजूद था और इसके काफी पॉजिटिव रिएक्शन सामने आ रहे थे। इसी के चलते दवा बेहद फेमस हो चुकी थी। एक बार एक व्यक्ति अपने सफर के दौरान ट्रेन से गिर पड़ा और जब वो डॉक्टर के पास अपने हाथ में दर्द को लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे रेडीथोर दवा लेने का सुझाव दिया, जो एक दर्द निवारक दवा थी जिसने उस व्यक्ति की परेशानी का हल भी किया था। लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति द्वारा उस दवा का सेवन अपनी खुराक से अधिक मात्रा में किया जाने लगा था। उन्होंने एक चम्मच के बदले 2 चम्मच लेना शुरू किया। उस व्यक्ति द्वारा धीरे धीरे इस दवा की तादाद को और बढ़ा दिया गया। एक दिन अचानक उस व्यक्ति के जबड़े का नीचे का हिस्सा टूट कर गिर गया और आश्चर्य की बात यह थी कि इस बारे में ना तो उस व्यक्ति को पता चल पाया और ना ही उसको किसी तरह का दर्द महसूस हुआ। इस हादसे के बाद उस व्यक्ति की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। बाद में उस व्यक्ति की बॉडी पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि उसकी बॉडी में रेडियम सॉल्ट की तादाद हद से ज्यादा थी, जिस वजह से उसकी बॉडी एवं नसों ने रिएक्शन करना बंद कर दिया था और वो एक तरह से सुन्न हो चुकी थी। इस घटना के बाद सरकार द्वारा वैली निर्मित रेडीथोर दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसी रेडियम का इस्तेमाल मेकअप बनाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट में किया जाता है? जी हाँ, साल 1930 में एलेक्स मार्शल द्वारा स्किन टोन को अच्छा करने के लिए थोर रेडियम नाम का एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया गया, जिसमें उन्होंने इसी रेडियम का प्रयोग किया था। उनके कहे अनुसार शहरों में रहने वाले लोग धूप से वंचित रह जाते हैं, जिस वजह से उनकी त्वचा से प्राकृतिक तत्व कम हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए सनशाइन लिक्विड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें वो सभी तत्व मौजूद होंगे जिससे उनकी स्किन ब्राइट और खूबसूरत नजर आएगी। कंपनी ने इस दावे के साथ और भी कई प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिन्हें महिलाओं ने काफी प्रभावशाली समझकर पसंद भी किया था। लेकिन उन सभी को इस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट के बारे में पता नहीं था और न ही कंपनी द्वारा इस बात को शो किया गया था। हालांकि उपभोक्ताओं द्वारा रेडियम के दूरगामी प्रभाव देखने के बाद इस तरह के उत्पादों से दूरी बना ली गई थी। लेकिन आज भी दुनिया के कई जगहों पर रेडियम को ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें एक और प्रयोग की, जो विज्ञान से जुड़ा ना होकर सौंदर्य या ब्यूटी से जुड़ा है, तो वो है पहले के जमाने में आयोजित होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। जी हाँ, पहले के समय में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तरह तरह के प्रयोग करके उसे हर बार अलग ही स्तर पर ले जाया जाता था। उस समय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में महिलाओं को अपने शरीर को पूरा ढकना होता था और केवल अपनी आंखों के द्वारा ही उस कॉन्टेस्ट को जीतना होता था। जिसकी आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव पाई जाती थी, उसी के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया जाता था। हालांकि वक्त के साथ इसमें भी प्रयोग किया गया। अब महिलाओं को पैरों के हिस्से से खूबसूरती का आकलन किया जाने लगा था। जिस महिला के पैर सबसे ज्यादा खूबसूरत होते थे, उसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर घोषित किया जाता था। इसके लिए महिलाओं के ऊपर के हिस्से को ढक दिया जाता था और केवल पैरों के द्वारा ही उनकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जाता था। हालांकि ये प्रयोग काफी अच्छा था और काफी समय तक चलन में भी रहा था। इसी तरह साल 1867 से लेकर साल 1974 तक अमेरिका में एक अनोखा कानून प्रयोग में लाया गया। इस कानून के हिसाब से कोई भी अपंग व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिखना चाहिए और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर पूरे $1 का जुर्माना लगाया जाता था। अब आप बताइए, भला ये किस तरह का कानून था जो अपंग और बीमार व्यक्तियों को अकेले घर में रहने पर मजबूर कर रहा था? असल में ये एक प्रयोग था कि बीमार व्यक्तियों को अगर सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा जाएगा तो क्या बीमारी के रेशियो में कमी आ पाएगी। इसके परिणामों का तो हमें पता नहीं, पर हाँ, ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब प्रयोग था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक थोड़ा खतरनाक और बेहद दिलचस्प प्रयोग जो आज से बहुत साल पहले किया गया था। उस समय यह प्रयोग काफी चलन में आया था। इसके अनुसार मरने वाले की डेड बॉडी की फोटोग्राफी की जाती थी
तथा उस डेड बॉडी के साथ परिवार के लोगों का फोटो खींचकर उस डेड बॉडी के फोटो को लोग या तो अपने लॉकेट में रखते थे या घर के किसी दीवार पर लगा देते थे। तो देखा आपने कितना अजीबोगरीब चलन था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस चलन को सबसे पहले अपने प्रयोग में लाया कौन होगा। दोस्तों, इसके अलावा अमीर लोगों ने अपने गार्डन को सजाने के लिए न सिर्फ पेड़ पौधे फूल पत्तियों बेंचों फव्वारों और झूलों का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने तो जिंदा लोगों को ही एक स्पेशल वेशभूषा के साथ अपने गार्डन में एज अ स्टैचू स्थापित करवा दिया, जिसमें कोई सजीव व्यक्ति पूरा दिन पुतला बनकर किसी खास ड्रेस में शांति और सुकून के साथ एक ही पोजीशन में बैठा रहता था, जिससे उस बंगले या हवेली की शान बढ़ती थी। भला किस तरह की नौकरी थी ये? क्या आप इस तरह की कोई नौकरी करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट या कहें तो प्रयोग जो आज से बहुत समय पहले प्रयोग में लाए गए थे। इनमें से जो सफल थे और मानव जाति के हित में थे, उन्हें आगे आने वाले दौर में संचालित किया गया, जबकि असफल और अनुपयोगी प्रयोगों को उसी समय के साथ वहीं रोक दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।